सो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। पीछे देखो जंगल है, मतलब जंगल नहीं है, खेत है, सामने खेत है और मैं पीछे बैठा हुआ हूँ। आज मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, ना ही कोई वीडियो बना पाया, तो जस्ट ऐसे फ्री बैठे हुए थे तो सोचे कि क्या करे क्या करे। तो एक मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मेरे एक दोस्त है, ठीक है, नीलेश तिवारी नाम है, दोस्त है, मुंबई में रहते, ठीक है। तो आज मैं लूंगा उससे मजा और उसको मैं अभी लगाऊंगा कॉल दूसरा नंबर से। मैं आपको दिखाता हूँ, एक नंबर तो उसने मेरा सेव किया हुआ है, तो एक नंबर उसने सेव नहीं किया है। तो ये देखो, ये दो सिम है, पहला ये पहला पहला सिम का नंबर उसने सेव किया, सेकंड सिम मेरा भैया का, मैंने जस्ट अभी लेके आया। तो ये नंबर उसके पास सेव नहीं है, तो मैं इसी सेकंड सिम से उसको कॉल करूँगा और उसके बाद मैं उससे लूँगा मज़ा और आवाज़ बदलने का ट्राई करूँगा और उससे बात करूँगा। ये मास्क को मैं लगा ले रहा हूँ ताकि आवाज़ मेरा उसके पास उसको समझ ना है। तो चलिए मैं उसको कॉल करता हूँ, फिर लेते हैं उससे मज़ा। आप लोग वीडियो में बने रहो और लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्ते जी, कौन? मैं क्विज कंपटीशन से मिस्टर राहुल बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सर दरअसल बात है कि एक क्विज कंपटीशन, तो आपका नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है, तो मैं आपसे एक तीन सवाल करूँगा। अगर आप ये तीन सवाल का जवाब दे देते हो तो आपको कैश मनी प्राइज मिलेगा। तो क्या आप सवाल देने, मतलब आंसर देने के लिए रेडी हो सर? सर बोल कहाँ से रहे हैं? सर मैं दिल्ली NCR से बोल रहा हूँ। अच्छा, तो सर ये पैसा कैसे मिलेगा मेरे को? सर ये पैसा, अगर आप ये हमारे ये यहाँ जो तीन सवाल, अगर मैं आपसे तीन सवाल पूछूंगा, फिर आप अगर उसका तीनों सवाल का सही आंसर दे देते हैं वो 15 सेकेंड के अंदर में, हाँ जी, तो उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर देना होगा या फिर फ़ोन पे नंबर देना होगा। उसमें हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, कुछ अमाउंट कंपनी रख लेगी और जितना होगा वो आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ओके सर। तो क्या तो आप, मुझे तीनों क्वेश्चन का सही जवाब देना पड़ेगा, अगर एक भी गलत हुआ तो? सर अगर एक भी गलत होता है तो अगर आप दो सवाल का आंसर सही दे देते हैं तो उस हिसाब से कंपनी देखेगी, उस हिसाब से आपको मनी ट्रांसफ़र करेगी। आपको दो सवाल सही देना होगा, अगर आपने एक सही दिया और दो गलत दिया तो फिर आपका वो नेम कैंसिल हो जाएगा। सर हार्ड क्वेश्चन मत पूछिएगा सर, प्लीज। ठीक है, आप रेडी हो? सर एक सेकंड। हाँ सर रेडी। तो पहला सवाल मैं पूछूंगा, उसके लिए जैसे सवाल ख़त्म होगा 15 सेकेंड का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, सो पहला सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आप रेडी हो जाइए, ठीक है। सर ठीक है। तो पहला सवाल है कि राम और श्याम तीन भाई थे। सवाल, राम और श्याम तीन भाई। हाँ, तो हाँ, राम भगवान, श्याम भगवान, लक्ष्मण भगवान, तीन भाई। नहीं, आप गलत बोल रहे सर। राम और श्याम तीन भाई थे, तो तीसरे भाई का नाम आपको बताना है। तो राम भगवान, राम और श्याम और लक्ष्मण, तीन भाई तो ही गए। नहीं सर गलत है, टाइमर स्टार्ट हो चुके हैं, आप ट्राई कीजिए। और राम और श्याम तीन भाई। हाँ भाई, हाँ मतलब भाषा, हाँ तीन, राम श्याम लक्ष्मण। नहीं सॉरी सर, जब आप, मतलब आपने गलत दिया आंसर। गलत सर दिया है तो यस सर सर सही जवाब क्या होगा? जी, राम पहला भाई हाँ सर, और दूसरा भाई श्याम तीसरा भाई। भाई कौन? राम पहला भाई, श्याम, राम पहला भाई और दूसरा भाई श्याम तीसरा भाई। दूसरा कौन? सर मैं लास्ट रिपीट कर रहा हूँ, राम पहला भाई और दूसरा भाई श्याम तीसरा भाई। और दूसरा भाई? हेलो हेलो सर, सर सर सुनिए। शायद पता चल गया होगा उसको कि मैंने खुद के तो अब मैं फिर से कॉल लगाता हूँ, देखते हैं। कौन है भाई तू? हाँ,
40 हम परेशान कर रहे हैं मेरे को। सर देखिए, अब एक साल हो चुका है, 2 साल में अभी पूछ सक राम और श्याम तीन भाई थे। देखिए मैं यहाँ चल रहा है, तू है कहाँ पे? सर बोल कहाँ से, दिल्ली से बोल रहे तू? हाँ हाँ सर, सुनिए ना, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा सर। अच्छा बोल। तो दूसरा ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, एकदम बढ़िया। अच्छा ठीक है सर, तो एक देखिए मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, आपका एक क्वेश्चन गलत हो चुका है, तो 2 क्वेश्चन है, अगर ये दूसरा भी अलग गलत हो जाता है तो सर आपका नेम कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा मत करना, क्वेश्चन पहले बता दे रहे हैं अच्छा सर ठीक है, एकदम। हाँ बोलो। तो दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ और टाइमर रेडी हो जाएगा, ठीक है? ठीक टाइमर को करो बंद, क्वेश्चन पूछो। है सर। सो दूसरा क्वेश्चन सुनिए, दूसरा क्वेश्चन है, चींटी चढ़ी पहाड़ पे, उसके बाद क्या हुआ? चींटी चढ़ी पहाड़ पे, उतर गई। नहीं सर, टाइमर स्टार्ट हो चुका है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। कैसा कैसा क्वेश्चन भाई, राम और श्याम चींटी पहाड़, अबे तुम कर क्या रहे हो बे? हाँ मजा कर रहे हो क्या? सर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, प्लीज आप थोड़ा दिमाग। क्या है बे, चींटी चढ़ी पहाड़ पे, फिर क्या हुआ? क्या हुआ नहीं पता, बोलो, नहीं चाहिए पैसा, बोलो। सर चींटी चढ़ी पहाड़ पे और आपके आपने क्या बोला था, उतर गई ना, तो चींटी पहाड़ पे चढ़ी, तो मैं उसके पीछे कैमरा लेके तो नहीं गया था ना, पहाड़ पे चढ़ी तो चढ़ी अपना बॉयफ्रेंड के साथ डेटिंग मार रही होगी। कसम कैसा भाई तू। अच्छा ठीक है, तो सर जैसे 2 क्वेश्चन हो गया, तो सर हाँ हाँ तीसरा सर। क्वेश्चन हम पूछेंगे। नहीं सर ये तो मतलब नहीं सर सुनिए सर, जैसे आपने तो पूछा, हमने कुछ नहीं बोला, अब हम आपसे बस एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आप सही जवाब दे दीजिए तो जो पैसा है आप ही रख लीजिएगा, जो भी होगा हम आपको दे देंगे पैसा, ठीक है? बस एक क्वेश्चन सर, प्लीज सर, प्लीज सर, आपने हमारा रूल, हम तो एक तो बनता है ना सर। ठीक है सर, आप एक आप पूछ लीजिए, रूल के खिलाफ है फिर भी मैं एक ट्राई करता हूँ, और तीसरा क्वेश्चन फिर मैं पूछूंगा, अगर आपका वो लास्ट सही हो जाता है तो फिर आपको पैसा दिया जाएगा, ठीक है सर? हाँ सर सुनिए, तो बताइए सर, 2 और 2 5 कैसे होता है? 2 और 2 5 कैसे होते हैं? कैसे होगा 2 और 2 5 कैसे होगा? सर 2 और 2 तो सर 4 होते हैं, 5 कैसे होते हैं सर? सोचिए, होगा होगा 2 और 2 5 कैसे होगा? 2 और 2 माइनस करने से 0 होगा, प्लस करने से 4 होगा। नहीं सर मतलब आप क्या सवाल पूछ रहे हैं सर, 2 और 2 तो 4 होते हैं। 2 और 2 5 होता है, कैसे नहीं सर वैसा नहीं होता है सर, होता है? कैसे होते हैं सर? गलती से हो सकता है सर, गलती से हो सकते हैं। 2 और 2 5 गलती से होता है, और तुम पैदा भी गलती से हो गए, पता है साला कौन है बे तू? कौन कौन है? अरे मैं रोहन बोल रहा हूँ, नहीं पहचाना? ये नंबर सेव नहीं है ना तेरे पास? होता तो तेरी लेता इतना देर तक मैं। तू सच्ची बोल, तू मुझे पहचान नहीं पहचाना? अरे मैं वीडियो शूट कर रहा था अभी, थोड़ा यूट्यूब में अपलोड करूंगा। मेरे को पहचान में आया भाई बीच में कि तू ही बोल रहा, लेकिन तू क्या यार, मतलब तेरे को लगा था कि मैं हूं ना? मुझे लगा कहीं भी मैं डाउट हुआ कि तेरे पास नंबर तो है, दूसरा फोन से क्यों करेगा फोन? मैं सोचा यार पता नहीं क्या, आजकल तो वीडियो वीडियो बना रहा है, पता नहीं क्या क्या कहीं डाल दिया, तो भाई पता नहीं क्या क्या कर रहा, मुझे लगा तू शूट पे क्या होगा, बाहर बिजी होगा या कोई और ही होगा। नहीं, आज इधर थोड़ा बहुत बारिश हो रहा था ना, तो मैंने इसीलिए सोचा कि तेरे से मजा लेता हूँ, तू 3 दिन से पूरा बिजी था ना, तो 3 दिन से तू कॉल भी रिसीव नहीं किया था, उठा भी नहीं रहा था कॉल। तो पैसा अब थोड़ी तो ऐसा लेकर लेगा, मैं साला सोचा पैसा आ जाएगा मतलब मैं खुश हो गया कम गया। पैसा तो आ ही जाएगा, ठीक है एक काम करते, सुन ना ये तेरा वीडियो को मैं यूट्यूब में अपलोड करता हूँ, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? अरे दोस्त के लिए जान हाजिर है, ठीक है चल, तो मैं इसको करता हूँ अपलोड करूंगा, ठीक है? चल चल ठीक है चल, वीडियो ओपन है तो मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ठीक है? ठीक भाई। है। सो फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने देखा, इससे मजा लिया, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, शायद मैं उतना ठीक से बोल नहीं पाया, आवाज़ भी चेंज नहीं कर पाया, फिर भी इसने मुझे नहीं पहचाना, पता नहीं क्यों, तो देखते हैं अभी अभी मैं वीडियो को करूंगा एडिटिंग करके अपलोड। सो प्लीज़ आप लोग देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, मैं आगे भी ऐसे कुछ मज़ेदार वीडियो लाने का ट्राई करूंगा और ब्लॉग लाने का भी ट्राई करूंगा। चलो थैंक यू।